ऑफ यू और ड्राइवर के थर्ड ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग में जो आप लोगों का प्यार मिला है बहुत ही अच्छा, ड्राइवर को हमने रिसीव किया था शोरूम से। उस वीडियो में अभी तक 1.4 के व्यूज़ हो चुके हैं, जो कि मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस से अभी तक मुझे नहीं मिल पा रहे थे। और जब भी मैं वीडियोस बनाने की सोचता हूँ फ्री टाइम में बनाऊंगा तो मेरे से नहीं हो पाता यार। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना वीडियोस डेली व्लॉग जैसे भी होगा वैसे बनाते हैं। तो पर्टिकुलरली इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे ड्राइवर गाड़ी के फीचर्स के बारे में। जो मैंने मॉडल लिया RXT और वो टॉप मॉडल से किस तरह से डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें। और आज हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर नहाने। तो हम लोगों के साथ में दो चार लोग हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मेरा बचपन का फ्रेंड है साविलू। तो इंट्रोड्यूस करवाते हुए इस गाड़ी के फीचर्स हम लोग को लोड करेंगे और आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ बना रहा हूँ ना। कौन बना रहा है? मैं। हेलो गाइस जी आ गए। हेलो गाइस ये नहीं तो ये कहाँ लगा रहा है? तो लगा रहा है। अंदर से लग जाएगा? कहाँ से लगता है? तो पता चलेगा, स्कैन ही नहीं होगा। अंदर से मेरी गाड़ी में भी ऐसे ही लगाया है मैंने। पर उसका QR तो इधर है। अरे वो ब्लैक टेप से वो स्कैन होता है, QR से थोड़ी होता है। बेइज्जती मत करवा देना यार। नहीं अगर नहीं हुआ ना वहाँ पर क्या रस हुई अगर स्कैन नहीं हुआ तो? अरे कैसे नहीं स्कैन होगा यार, कैसे बातें कर रहे तुम? ये एक महान इंसान हो भाई। छुपा के रख दे नहीं तो वहां जाके किसी दूसरे की पहनना पड़ेगी। नहीं पता चला कितने छेद है यार। कुलदीप कितना टाइम लगाता है यार। यार साला SBI में 10 बजे और 10 मिनट में पार्किंग नहीं होता है अंदर क्या काम होता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्या काम होता है? अरे ट्रेनिंग के नाम पे डांस कर रहे हैं वहाँ पर। गाना गाना था? कौन सा गाना था भाई? कौन सा गाना? गाना गा रहा था किसी की मुस्कुराहट पे। मेरे को लगा अरिजीत सिंह फीका पड़ गया है। चलो एक और भैया है। अरे आओ यार ईद याद नंगे नहाने वाली ईद याद कर रहे हैं हम लोग। कर गया था भाई इतनी देर बाद आया हुआ था, ब्रश करके निकला हुआ। चलो भाई साहब एक और बंदा आया। कौन निकला? आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग खा के लकड़ी घुसा दुकान में बैठे जय जी वो जाएंगे ना बोले बोले उठा तो बता दो चुन्नी तो लकड़ी निकाल लेंगे। दबा यार बना पाए यार जब तक उठा जीने। अरे तो चेक कर रहे थे लीकेज तो नहीं हो रहा डाल के देख रहा था मुझे। आप देख तो तुम्हारी 12 बजे क्या सोलंकी? ये जब भी इंसान कार में बैठे ना ये इसका ब्लूटूथ चालू करने के लिए मेरा डिलीट कर देता है। साला मैं फिर कहीं जाऊँ ना तो मेरे को आधा घंटा लगता है उसको सेट करने में। और मैंने जमाने भर के रहने देगा मेरा ही डिलीट करेगा डीलर्स आईफोन डिलीट। अरे नहीं मैं बैठता मेरा कनेक्ट हो जाता है ये साला उसको डिलीट ही कर देता है। बोले कनेक्ट होने ही नहीं चाहिए जब तक मेरा। ऐसा काम करो कि चार लोग बात करें। बात करें बात करने से तात्पर्य यही था व्लॉग में। अब देर रात इसको रोकना मत। अरे तो
उसको हाकरे वाले हाकरे वाले लोकल है क्या पांडे कुदर है कुलदीप में यहीं बैठ जा अरे यहीं बैठ जा चलो ऊ गांसी द जापानीज हाँ नीरज मिलेगा धनशाना नीलपी बोलते हैं ओ अरे नीलपी रख दे कहाँ जाएगा कुलदीप तैरते आ जाता है चलो नर्मदा नदी से नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है अब हम जा रहे हैं हमारी ड्राइवर की ओर जो आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बतानी थी वो तो बता दूं एक्चुअल में व्लॉग के लिए अलग से टाइम नहीं निकालने में ये सब चीज़ें भी करता रहता हूं मैं इसलिए व्लॉग का टाइम नहीं मिल पाता है तो अब हम ड्राइवर पर जा रहे हैं और आप लोगों को RXT के फीचर के बारे में बताएंगे तो चलो ड्राइवर हमारी उस साइड में खड़ी है थोड़ी आगे उधर है ऊपर की साइड में और वहाँ जाके आपको बताते हैं हमारी कार के पास में पहुँच चुके हैं और ये रही हमारी 7-सीटर रेनॉल्ट ड्राइवर मॉडल RXT सेकंड टॉप मॉडल बोल सकते हैं उसको तो पहले तो मैं ये डिफरेंस बता दूँ कि टॉप मॉडल से क्या वेरी करती है ये वाली RXT तो मैं इसका डिफरेंस आपको बता दूँ इसमें अलॉय व्हील्स आ जाएंगे और ये टायर की विड्थ है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी बाहर से तो इतना ही है पीछे यहाँ पर एक वाइपर आ जाएगा उसमें और बाकी अंदर से देखते हैं बहुत गर्मी है यार पहले AC चालू करें इसको न्यूट्रल करके अपन ने गाड़ी चालू कर दी है AC भी अपना चालू है ठंडे में न्यूट्रल है ये बंद कर देते हैं अरे हो जाएगा थोड़ी देर से लेट काम करता है हो चुका है फैन की थोड़ी सी आवाज़ कम करें ताकि हम लोग अच्छे से बात कर सकें तो RXT मॉडल में मैंने जितना डिफरेंस देखा ये है एक यहाँ पर जो की आती है ये इसमें की आती है उसमें कीलेस रहता है और ठीक है जैसे कीलेस हो गया बाहर में टायर वगैरह का बता दिया पीछे वाइपर का बता दिया है ना अब इसके फीचर्स में देख लेते हैं सेकंड टॉप मॉडल में आपको क्या क्या मिल जाता है AC मिल जाता है सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है आपको ये डिस्प्ले पहले से लगा हुआ मिलता है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ना थर्ड सीट तक सेकंड सीट तक ये साइड में वेंट दिए हुए AC के थर्ड में ये लाइट के जस्ट थोड़ी आगे आपको दिख रहा होगा वहाँ पर वेंट है और इवन ये वेंट ना अर्टिगा में भी नहीं आता है और यहाँ पर ये एक आपको छोटा सा स्टोर दिया जाता है जो AC के टाइम पे वर्क करता है यहाँ पर कुछ भी आपको चीज़ें ठंडी रखनी हो तो आप रख सकते हो जैसा पानी की बोतल वगैरह सफ़र में तो पानी गर्म नहीं होगा पीछे वालों के लिए ये AC का स्टार्ट करने का ये सब रहता है इससे पीछे वालों का AC अलग सेपरेट चलता है एक साथ सारे AC नहीं चलते आगे वाले के ये सारे वेंट वगैरह हैं और डिस्प्ले देख लो ऐसा दिखता है और यहाँ पर सारे फीचर्स हैं ये फ़ैन के लिए ये AC के लिए हीटर और सब कुछ है इसमें इनबिल्ट इसमें सारे लगभग फीचर है वीडियो वगैरह नहीं चलता है इसमें सिर्फ कैमरा नहीं है और जैसा कि देख लो आप यहाँ पर भी आपको कंट्रोल दिखाई देते हैं ये रेनॉल्ट का लोगो है यहाँ पर कॉल वगैरह और इसके स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं आप विंडोज़ कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं बाकी कांच यहाँ से आप कंट्रोल बस उसके अंदर का ग्लास आप कवर कर सकते हैं जैसे कि देखना ये वाला देखो ये अंदर का ग्लास आप कवर कर सकते हो पर ये जैसे बाहर निकालना था ये मैनुअली है इसको हाथ से ही करना पड़ेगा उधर वाला भी लगा हुआ उसको हाथ से करके आपके हिसाब से ग्लास को सेट कर सकते हो अब जैसे कि मेरे को सेट करना है तो इधर वाला करेंगे अब ये पीछे से दिख रहा है हाँ ये इसमें एक ये फीचर है ये वाला है ना मेन जो मेहनत वाले काम मैंने आपको बता दिए हैं और इसमें कुछ यूनिक टाइप से मैं आपको
काफ़ी कम रहती है। आपको बूट स्पेस भी मैं बता देता हूँ, सीट कवर की काफ़ी जगह है, हो जाता है। मैंने बहुत लोग यहाँ पर सीएनजी किट भी फिट करवाते हैं, अपना भी ऐसा ही कुछ प्लान है, तो वो कभी करेंगे। फिलहाल ये देख लो पीछे से ऐसी दिखती है ड्राइवर। ये पिछले वीडियो में देखा है कि हमने बेसिक वर्क करवाया था, जैसे कि ये हो गया, अंदर मेटिंग हो गई, उसके बाद मैंने ये ग्रीन नेट डलवाई है, ग्रीन नेट सब पीछे तक डलवाई है। और आज सुबह सुबह ये हमने फास्टैग चिपकाया, फास्टैग भी बिना चिपकाए हुए चल रहे थे। इसमें एक चीज़ मैं उस दिन से सोच रहा था यहाँ पर भगवान बिठाने की, तो बस अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और इन्हें भी आज लगाना है। तो पहले यही सोचा था कि ओंकारेश्वर में जाएंगे, नर्मदा जी के नर्मदा जी में नहाएंगे वगैरह, उसके बाद ये सब हम करेंगे। तो अभी देखो घर वालों के हाथ से किया जाए या फिर दोस्त लोग हम जितने साथ में हैं तो ये इनको लगा देंगे। अरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि क्यों सोलंगे ये यार कुलदीप से इसका मोबाइल लेके कवर बताओ यार कोई यार कुलदीप यार प्लीज यार भाई तो ये व्लॉग में ये रिवील करना जरूरी है, कुलदीप का कवर, कुलदीप फोन बता भाई, ये देखो पिंकी पिंकी पोंकी वाला सुरेन का फेवरेट कलर है ये। मुझे नहीं लगता कुलदीप ने ना उसकी पसंद का कवर लिया होगा। अरे गिफ्टेड है गिफ्टेड। और इस व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट काम अब हम करने जा रहे हैं, गाड़ी रोकते कहीं पे साइड में है ना, सारे लोंडे आज ना शुद्ध हो गए इसीलिए वो काम करने जा रहा हूँ, भगवान स्थापित करेंगे भाई गाड़ी में। तो हाँ और क्या, यहीं पे रोक लो, ये थोड़ा साफ सुफ कर यार भाई यहाँ पर। वैसे वो साला कॉपीराइट ले आओगे। गजब। सही तो है, नहीं सही है, ठीक है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। एक मिनट एक मिनट, डबल कर रहा सुरेन की गाड़ी के साथ में।